नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल JMS एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कि दूसरा है, एक हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिसने भी अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख सकता है, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपके लिए जो क्वेश्चन है वो वाला मैं बता देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो, एक बार मैं आपको वो वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? तो उसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जो भी इस क्वेश्चन को कर देगा उसकी रीजनिंग समझो बहुत अच्छी है, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इसका ऑप्शन आपको बताना है। जैसे इसमें क्या बताना है, जैसे ये दोनों है ना, जिस रिलेशन में हैं ये दोनों, तो इसी प्रकार यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है और जो हेलीकॉप्टर, ठीक है? तो इन दोनों को आपको यहाँ पर मिक्स करके बताना है कि इसका क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया का जो संबंध आँख से है वही संबंध मेनिनजाइटिस का है। तो मायोपिया जो एक डिजीज होती है उसका संबंध आँख से होता है फ्रेंड, आपको पता होगा। उसी प्रकार मेनिनजाइटिस भी डिजीज है, इसका संबंध किससे है ये बताना है। तो ऑप्शन है इसमें मस्तिष्क से, आहार नली है, गुर्दा है, फेफड़े हैं। तो दोस्तों मेनिनजाइटिस एक डिजीज होती है जो कि मस्तिष्क से संबंधित होती है, ऑप्शन है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो इसमें विषम शब्द सुनना है, ऑप्शन है टिन, स्टील, लोह और ताम्र, ठीक है? तो दोस्तों इसमें स्टील है जो कि एक मिक्स्ड धातु होती है, ठीक है? और टिन, लोहा और ताम्र ये शुद्ध धातु हैं, तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? फ्रेंड, यदि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको एक ही ट्रिक के साथ सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें पूछा गया कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, फ्रेंड आपको पता होगा स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है? इसमें नीले को किससे कोड किया गया है, तो नीले को क्यों बताया गया है कि यहाँ पे निर्भूत किया गया है नारंगी से, तो नीले का अर्थ नारंगी है, या ऐसा भी हो सकता है नीले को नारंगी कहा जाता है। इस प्रकार कैसे भी ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो जिसमें इसको निरूपित किया जाता है वही आंसर होता है, तो इसमें नारंगी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये अनुक्रम है फ्रेंड, इसमें हमको गलत संख्या बतानी है, ठीक है? तो इसमें अनुक्रम क्या है, 125, 127, 130, 135, 142, 153, 165। फ्रेंड इसमें देखेंगे हम तो इसमें प्लस 2 ऐड हुआ है, इसमें प्लस 3 ऐड हुआ है, इसमें प्लस 5, इसमें प्लस 7, प्लस 11 और इसमें देखते हैं प्लस 12 ऐड हुआ है। तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो इसमें प्लस 2 हुआ है, इसमें प्लस 3, इसमें प्लस 5, इसमें हुआ है, तो इसमें हुआ है फ्रेंड प्लस 7 और इसमें हुआ है प्लस 11। तो इन संख्याओं को देखकर आपको पता चल रहा होगा फ्रेंड कि ये हवास संख्या है सभी, ठीक है? प्राइम नंबर है ये 2, 3, 5, 7 और 11। तो जो अगला प्राइम नंबर आएगा फ्रेंड 11 के बाद, वो क्या होता है अगला प्राइम नंबर, तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है फ्रेंड 13, ठीक है? 13 होता है। और इसमें देखा जाए 153 से 165 में कितना जुड़ा गया है, यहाँ पे तो 12 जुड़ा गया है, और जोड़ना क्या चाहिए था 13, इसमें 13 जोड़ना चाहिए था, किसमें 153 में, तो कितना हो जाएगा 166। तो 165 नहीं आएगा यहाँ पर, 166 आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए, ठीक है? इसमें ये वाला है, तो इसमें देखा जाए इसमें 29 और 31 है, इसमें 47 और 49 है, इसमें 5 और 7 है, इसमें 11 और 13 है फ्रेंड। तो इसमें देखा जाए फ्रेंड तो 29 और 31 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें केवल एक और उसी संख्या का भाग जाता है, ठीक है? तो इसमें 47 और 49 हैं, इसमें 47 है और 49 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है? 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या हैं, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि विषम है, इसमें केवल 47 ही अभाज्य संख्या है, 49 अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है फ्रेंड, ठीक है? तो इसका आंसर जो कर देगा उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी, मैंने एक बार बताई दिया है आपको, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इज इक्वल टू 12, एज इज इक्वल टू 39, देन जे ई डी विल बी इक्वल टू, इसमें ये पूछा गया है फ्रेंड।
डी का कितना होता है फ्रेंड नंबर, तो आपको पता होगा डी का 4 होता है। फ्रेंड आपको ये नंबर याद होने चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ए बी सी डी आप लिख रहे हो फिर उनका 1 2 3 4 26 तक उनके अंक लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये रटे होने चाहिए, डी दिखते ही आपको 4 याद आना चाहिए, एच दिखते ही आपको 8 याद आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ऐसे पी दिखते ही आपको 16 याद आना चाहिए, ऐसे ऐसे आपको याद होनी चाहिए। उसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, यदि आप कहोगे तो कमेंट कर देना। तो इसमें देखा जाए डी बार डी इक्वल टू 12 है, तो इसमें डी का कितना होता है 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया गया है तो कितना हो गया 12, ठीक है। इसमें एज है तो एज में देखेंगे हम इनका, देखते हैं तो एज में ए का क्या है 1, जी का कितना है 7 और ई का कितना है 5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 5 12 और 1 13, और 13 इनका टोटल है, और 13 में क्या करना है हमको 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा 39, मतलब यही इनका इसमें वो ट्रिक लगी है कि उनमें जो उनका जोड़ना है उनमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लास्ट वाले में भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो जे का कितना होता है 7, ए का सॉरी दोस्तों जे का होता है 10, ठीक है, ए का कितना होता है 1 और डी का कितना होता है 4 और ई का कितना होता है 5, इन सभी को जोड़ते हैं पहले तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11 और 5, 11 और 4 कितना होगा 15 और 5 20, ठीक है, 20 में और 30 का मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 60, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आजकल पूछे जाने लग गया एग्जाम में, तो इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मैं ध्यान से समझाता हूँ उस क्वेश्चन को, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें देखा जाएगा फ्रेंड, पहले हम इसको देखें फर्स्ट में, इसमें क्या है कि ये त्रिभुज सा बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये नीचे साइड बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे तो ये ट्रायंगल, तो पहले इसमें देखते हैं, मैं बताता हूँ इस ट्रायंगल, पहले इसका जो त्रिकोण है ये ऊपर की ओर है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में नीचे की ओर है, मतलब दूसरे में चेंज हो रहा है नेक्स्ट वाले में, और ये ट्रायंगल यहाँ पे तो इसमें बन रहा है इस वाले में, ठीक है, और इस वाले में बनना चाहिए था मतलब, पर इसके एक छोड़ के इसने इसमें बना दिया, ठीक है, मतलब एक का अंतर हो रहा है फिर दूसरे बन रहा है, और ट्रायंगल का त्रिकोण है जिसकी चोंच कहें हम उसको, मैं सादा भाषा में बताता हूँ, तो ये नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएंगे हम, तो नेक्स्ट में यहाँ पे मतलब तो यहाँ से अब दो का अंतर हुआ है, एक और दो छोड़ के तीसरे में बना है, ठीक है, पहले में फर्स्ट एक का अंतर था ये वाला, अब दो का अंतर है और ट्रायंगल का यहाँ पर नीचे हो गया, ठीक है, ऊपर होना चाहिए था, ऐसे हम इसे घुमाएंगे इधर की साइड तो ऊपर आना चाहिए था, पर ट्रायंगल को नीचे कर दिया है, मतलब चेंज हो रहा है हर बार में, ठीक है। अब इसमें वाले देखेंगे फिर से, अब एक का अंतर हुआ है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल नेक्स्ट में देखो, इसमें देखो यहाँ पे, तो यहाँ से यानी ये वाला छोड़ दिया, ठीक है, ये नेक्स्ट में कर दिया ये, और ट्रायंगल की वो यहाँ पर तो नीचे है, यहाँ पर ऊपर कर दिए ये, तो यहाँ पर इसमें एक छोड़ दिया। अब नेक्स्ट में क्या छोड़ा जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दो छोड़ा गया था, पहले एक छोड़ा गया फिर दो फिर एक छोड़ा गया, अब फिर से दो छोड़ा जाएगा, मतलब इस वाले में था तो अब किस में आएगा, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया तो अब इस वाले में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस वाले में, और ये चोंच है ना, इसकी चोंच को देखा जाए, सॉरी दोस्तों इधर नहीं चलना है, मैं इधर चलना है, ठीक है, इधर से इधर चलना है, मैं एक बार समझाता हूँ ध्यान से देखना, देखो इस वाले में तो इधर से दो छोड़ के चलना है, ठीक है, इसमें एक छोड़ा गया तो इसमें दो छोड़ना है, तो एक और दो ये दो छोड़ दिए तो यहाँ पर आएगा ट्राइंगल, और इसमें इधर की साइड जाएंगे तो नीचे आएगा, पर इसमें ऊपर की ओर करना पड़ेगा हमको, देख लो ऐसा किस में है, इस वाले में देखो फ्रेंड, इसमें इसमें तो ये तो होगा नहीं, इसमें इसमें नहीं होगा, ये इसमें है नहीं होगा, तो ये वाला इसी वाले में हमने देखा है और ऊपर की साइड है, तो मतलब ऑप्शन 4 इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा, एक बार वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें देखा जाए कि ए ओ ई का है एफ यू जे, ठीक है, और आर के टी का है, यहाँ पर आपको बताना है, तो देखा जाए फ्रेंड ए का कितना होता है, फ्रेंड ए का होता है 1, एफ का कितना होता है 6, मतलब 5 ज़्यादा प्लस 5 वाई, ठीक है, और ओ का कितना होता है 15, ठीक है, और यू का कितना होता है फ्रेंड, यू का होता है 21, तो कितना ज़्यादा है प्लस 6 ज़्यादा, ठीक है, प्लस 6 15 से। नेक्स्ट क्या है इसमें ई, ई का क्या होता है 5, जी का कितना है 10, मतलब फिर से 5 ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले कि इसमें 5 ज़्यादा फिर 6 ज़्यादा बीच वाले में फिर 5 ज़्यादा, तो नेक्स्ट में भी हम इसी प्रकार से इनको देखेंगे, तो आर का कितना होता है 18, ठीक है, 18 में फर्स्ट वाले में 5 ज़्यादा तो 5 ज़्यादा करके कितना हो जाएगा 23, 23 पे क्या होता है डब्लू होता है, तो इसमें ऑप्शन वी और यू तो कैंसिल होगी, ऑप्शन 3 और 4 तो कैंसिल हो गए फ्रेंड, बचे कौन से फर्स्ट और सेकंड, अब इन दोनों में हमको देखना है। अब क्या है के का कितना होता है फ्रेंड 11, ठीक है, 11 में क्या जोड़ना है, 11 में जुड़ना है 6, क्यों इसमें भी 6 जोड़ा गया था बीच वाले में,
प्लस सिक्स करके कितना हो जाएगा 17, तो 17 पे क्या होता है क्यू, तो क्यू वाला मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों डब्ल्यू बाद क्यू, इसमें डब्ल्यू बाद ओ है, तो इसमें अब तीसरे का हम लोग हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड, एफ टी बी आई क्यू ई एन एल एन एच और ओ के के, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या आएगा ये बताना फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी पी यू एग्जाम में पूछा गया था अभी 2019 में, तो ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड। तो इसमें देखा जाए एफ कितना है 6, ठीक है, आई कितना है 9, एल कितना है 12 और ओ कितना है 15, ठीक है। हम देखा जाए फ्रेंड इसमें तो 6 से 3 ज़्यादा 9, ठीक है, और 9 से 3 ज़्यादा 12 और 12 से 3 ज़्यादा 15 और 15 से 3 ज़्यादा कितना होगा 18, तो 18 पे क्या आता है फ्रेंड, 18 पे आता है R, तो मतलब ई 3 और 4 ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड R आ गया, ठीक है 18। अब इसी पर हम बीच वालों का देखते हैं, तो T का कितना होता है 20, Q का कितना होता है 17, N का कितना होता है 14, K का कितना होता है तुम्हारा 11, ठीक है। अब इसमें तीन तीन कम हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड, आपको दिख रहा होगा तीन तीन कम हो रहे हैं, तो 11 में सब तीन कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का कितना होता है एच, तो इसमें ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर के बाद इसमें तो जी है और इसमें एच है, तो मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें आप लास्ट वाला भी देख सकते हो, बी का कितना है तुम्हारा, बी का 2, ई का 5, एच का 8 और के का 11, तीन तीन ज़्यादा है, तो 11 में तीन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में क्या होता है एन, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है आपको फ्रेंड। इसमें देखा जाए तो हम देखते हैं 3 और 14 और 34 ये किस प्रकार से किए गए हैं, तो इसमें देखा जाए कि इन दोनों को जोड़ा गया है फ्रेंड, तो कितने हो जाएंगे 3 और 14 कितने हुए 17, ठीक है, 17 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तब हमारा 34 आया है, ठीक है। इस प्रकार आपको दिमाग लगाना है सभी को, ठीक है। और नेक्स्ट में देखेंगे 18 और 13, यदि इसमें भी ये वाला सिस्टम होगा तो हम सही कर रहे हैं, 18 और 13 कितने हुए, तो ये हुए 31, ठीक है 31, 31 में 2 का मल्टीप्लाई करके हमारा 62 आ गया, ठीक है, तो मतलब हमारा ये सही है, हमारा ये वाला तरीका जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार इसमें हुआ तो 27 और कुछ जोड़ा जाएगा, तो मतलब इनका आधा होना चाहिए इन दोनों का योग, क्योंकि 62 है तो 62 का आधा 31 इनका योग था ना, इसी बार 98 का आधा कितना होगा 49 इन दोनों का योग होना चाहिए, तो 27 तो है इसमें, तो इसमें से यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 9, 2 और 2 22 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है 3 ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, रिपीट करके देख सकते हो एक बार वीडियो को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछे जा रहे हैं अंग्रेजी के शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं ये, तो इसमें देखा जाए तो एम ई एम ई इसमें सब आया है फ्रेंड, इसमें देखो सबसे अलग किस्म है, तो एम ई टी तक सभी में सेम है, और उसके बाद आई इसमें, इसमें टी है और इसमें एच है और इसमें आर है फ्रेंड, तो सबसे पहले कौन सा आता है इसमें, तो ई आता है, ठीक है सबसे पहले ई आता है, तो ई वाला क्या है यहाँ 5, तो मतलब ऑप्शन 3 तो गया, ठीक है सबसे पहले 5 आएगा, तो हमारे पास तीन ऑप्शन बचे हैं। अब ई के बाद क्या आएगा, इसमें तो टी है तो ये तो आएगा नहीं, ये एच है, तो ई के बाद एच आता है, आई इसके बाद आता है, ठीक है, तो एच, तो एम के बाद 5 के बाद 3 आएगा, तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गया सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बचे हैं, आपको ऐसे ऑप्शन हटा हटा के आपको किया करो ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, और 3 के बाद क्या आएगा, आई के बाद फ्रेंड, इसमें देखा जाए इसमें आई, इसमें एच है, तो एच के बाद क्या आता है आई, मतलब ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ऑप्शन ए फर्स्ट वाला आएगा, तो फर्स्ट में 531, तो मतलब 531 इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब अभी हमारे पास एक और देखना पड़ेगा अगला, तो इसमें आई फ्रेंड, और टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है आर, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आर है क्योंकि इसमें टी है, तो टी तो हमने कर लिया। अब इसमें देखा जाए फ्रेंड, तो इसमें आई आ गया हमारा, और आई के बाद अब क्या बच रहा है हमारे पास, आर बच रहा है और इसमें टी बच रहा है, तो टी पहले आता है या आर पहले आता है, तो हमारे हमको पता है कि आर पहले आता है, तो मतलब अब दो आएगा, तो मतलब 5-1 के बाद 2 आएगा, तो 4 ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम में गलत संख्या बताइए, तो इसमें गलत संख्या बतानी फ्रेंड, तो इसमें देखा जाएगा 104 उसके बाद 108, मतलब प्लस 4 हुआ है, उसके बाद 54, मतलब 108 का आधा हुआ है, आधा 108 का 54 हो गया, फिर इसमें प्लस 4 हुआ है, प्लस 4, फिर 58 का फिर से आधा हुआ है, तो कितना हो गया 29, ठीक है बिल्कुल सही है। और 29 में से क्या करेंगे, यहाँ पे
प्लस फोर करेंगे 29 प्लस फोर क्या हुआ है तो 33 होगा, तो इसमें ऑप्शन 31 ये वाला गलत है, तो इसमें फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स को 214 से पोर्टित किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे सोशल को क्या हुआ फिर ये पूछा है इसमें फ्रेंड। तो इसमें देखा जाए फ्रेंड के स्पोर्ट्स पहले इनका योग करके देखो इनके अंकों का, ठीक है। तो एस पे 19, पी का क्या होता है, पी का होता है यहाँ पे 16, ओ का 15, आर का 18, टी का 20, ठीक है, और एस का क्या होता है, एस का होता है 19। अब इनको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 19 और 19 38, 38 और 8 46, 56 और 5 51, 51 61 और 66, 67, 107, ठीक है दोस्तों 107 आ गया, 107। और 107 का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है, तभी तो हमारा 214 आएगा, तो 107 दोगुना कितना है, 214, ठीक है। स्पीकर इसमें भी होगा देखा जाए, इसमें इनका योग करो पहले इन सभी का, तो 19, ओ का 15, सी का 3 और आई का 9 और ए का 1 और एल का 12, ठीक है। इनका योग करो फ्रेंड, इनका योग करोगे तो कितना होगा, 19 और 5 24 और 34 और 3 37 और 9 46, 46 और 12 क्या होता है, 46 और 12 58 और 59, ठीक है 59 हो गया। अब 59 का क्या करना है, दो गुना करना है, मल्टीप्लाई 2 तो 118 आ गया, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अंतिम पासे में 4 के विपरीत फलक कौन सा है, मतलब इस वाले पासे में 4 के विपरीत फलक कौन सा है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे। इसमें देखा जाए फ्रेंड तो क्या हुआ, हम फर्स्ट वाले में फर्स्ट दो में हम देखते हैं कि क्या सेम क्या है, तो इसमें एक सेम होता है दोस्तों, फिर तो हम उसमें कर लेते हैं, फिर इसमें दो सेम है, इसमें 5 5 है, 4 और 4 है, ठीक है। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें दो सेम हो, 5 5 और 4 और 4 दो सेम हो गए, ठीक है, तो जो बचते हैं ना अलग से दो, तो वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखनी है, मतलब एक दो के विपरीत है, ये हमको पता चल गया इन दोनों से, ठीक है, एक दो के विपरीत है। अब देखा जाए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है, 4 के पूछा है, मतलब बच्चे कौन कौन से, 5 और 4, मतलब 5 के विपरीत या तो 3 होगा या 6 होगा, हमको ये नहीं पता कौन सा होगा, इसी प्रकार 4 के विपरीत क्या होगा, ये भी 3 या 6 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इसमें पूछा गया सेकंड। अब सेकंड वाले में आ जाओ, तो 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत या तो 3 होगा या 6 होगा, 3 यहाँ पे हमारे साइड में दे रखा है, मतलब 3 तो है नहीं, बचा क्या 6, तो इसके मतलब इसका ये कि 4 के विपरीत 6 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने, 4 ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पंक्ति में रमेश का क्रम दोनों सिरों से क्रमशः 12वां और 16वां है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको पता ही होगा, इजी क्वेश्चन है, यदि दोनों तरफ से उसके क्रम दे रखे हैं किसी व्यक्ति के, तो उनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो पहले, 12 और 16 कितने हुए, 28 माइनस 1 कर दो, ठीक है। यदि टोटल पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं ये पूछा है, तो कितने हो जाएगा, 27, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है फॉर्मूला, इसमें ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, और ए ई की क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, इसकी मैट्रिक पहले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और फिर से बता देता हूँ, तो आपको कैसे करना है, ये ई बी की बहन है फ्रेंड, ई बी की बहन है, ठीक है, तो बी की हमको नहीं पता ये कौन है, मेल है फीमेल है, ई की पता है ये यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल को हम किस में करते हैं, सर्किल में करते हैं, तो ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, तो हम इसको बाद में कह रहे हैं, इनसे रिलेटेड कोई देखो, इसमें देखा जाए कि बी सी का पुत्र है, जो बी है जो सी का पुत्र है, तो मतलब सी यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर मेल है, ये पता चलेगा, तो मेल को हम ट्राइंगल में करेंगे, सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है, पहले हम अब इसमें देखते हैं, ए सी का पिता है, ए है वो सी का पिता है, ए है ना वो सी का पिता है, मतलब ए यहाँ पे मेल है और सी का पिता है, जो पिता होते हैं जो सेकंड जनरेशन होती है उसे एक ऊपर रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो मतलब ये इसका पिता है, ये इनका पिता है, तो ये इनके ऊपर जाएंगे। अब पूछा ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ये इनका क्या होगा, ये इनकी बहन है, ठीक है, बी की, और ये सी पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, तो यहाँ सी की नहीं पता ये मेल है फीमेल है, ठीक है, तो ये इनकी लड़की हो गई, सी की लड़की है, ठीक है, और ए अब ए का पूछा है, और सी का पिता ये है, तो मतलब ये दादा हो गया ई का, ठीक है, ई का दादा हो गया, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, निकोबार और अंडमान, इनमें से विषम शब्द बताना है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है,
तो आप देखा जाए फ्रेंड तो लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान ये सभी द्वीप हैं, जब भी पुडुचेरी द्वीप नहीं है तो इसमें ऑप्शन भी विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए, इसमें भी विषम अक्षर चुनना है हमें फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या है, तो इसमें देखा जाए फर्स्ट में पहले देखते हैं तो थ्री है, सी का थ्री, ए का वन, एफ का सिक्स और डी का फोर। तो फ्रेंड इसमें देखा जाए कि ये कितना हो रहा है, तो फ्रेंड इसमें देखा जाए हमारा सी है, सी के थ्री है, थ्री के बाद कितना हो रहा है ए, मतलब दो कम हो रहे हैं, एक तीन में से दो गए तो एक बचेंगे ना, फिर उसके बाद सिक्स है मतलब प्लस फाइव हो रहे हैं एक में, तो फिर सिक्स आ गया, फिर डी है तो फोर माइनस दो हुए हैं, ठीक है इसमें तो ये वाला। इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें देखा जाए टी, तो टी बीस, बीस के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद तेईस है डब्लू, और वी कितना होता है मतलब बाईस, ठीक है मतलब बीस एक एक कम हो रहा है इसमें, एक कम इसमें हुआ बीस के बाद उन्नीस, फिर चार ज़्यादा हुए फिर एक कम हुआ, मतलब इससे ये मेल नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसमें ऊपर बता देता हूँ, आई जी एल वी का बता रहा हूँ मैं, आई का कितना होता है नाइन, जी का सेवन, ठीक है एल का बारह, और जो जी है उसका टेन, ठीक है। तो इसमें देखा जाए नौ के बाद दो कम हो गए इस सेम इसी की तरह, फिर उसके बाद फाइव ज़्यादा हुए सेम इसी की तरह प्लस फाइव, फिर उसके बाद दो कम हो गए सेम इसी की तरह, मतलब ये दोनों सेम हैं और ये वाला सेम नहीं है, तो हमें तीसरे चौथे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी ये वो वाला हुआ, तो इसमें ऑप्शन भी विषम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी फ्रेंड। नेक्स्ट है, एक किसी स्थान से चलता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो फ्रेंड आपको पता होगा ये हमारी दिशाएँ होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है ये हमारी दिशाएँ होती हैं। तो इसमें पूछा गया, मैं बताता हूँ, एक किसी स्थान से, ये कोई स्थान है फ्रेंड, तो यहाँ से ये उत्तर की ओर चलता है, ये इसके हैंड हैं, ठीक है राइट और लेफ्ट हैंड, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 5 किलोमीटर उत्तर ऊपर होता है तो 5 किलोमीटर चला यहाँ से, ठीक है फिर क्या करता है वो अपने बाएं मुड़ता है, तो ये इसका बाएं है, ये इसका राइट है, ठीक है इसका ये लेफ्ट है ये राइट है, तो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है चाहिए चलो, फिर वो बाएं घूमता है, फिर ये इसका बाएं होगा ये इसका राइट होगा लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट मुड़ता है 3 किलोमीटर कितना 5 किलोमीटर फिर से चलता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया 5। अब पूछा अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है फ्रेंड, नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ क्या होता है दक्षिण होता है, तो ऑप्शन टू इसमें राइट आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि वो अब अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभ स्थान ए है यहाँ है और यहाँ से इतनी दूर है ये, तो 3 किलोमीटर यहाँ नीचे भी होगा तो 3 किलोमीटर दूर होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा।